मॉर्निंग गाइस, आज हमने प्लान किया है मानसर झील जाने का, जो हमारे घर से करीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर है और ये J&K के डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पड़ता है। तो आज हम चलेंगे मानसर लेक। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं मानसर लेक में। गाइस हम मानसर झील पहुंच चुके हैं और देखिए यहाँ पर देख जाते ही हमें क्या देखने को मिला, एक साथ हजारों जो मछलियाँ हैं वो बिल्कुल किनारे पे है और हम उनके साथ चाहे आप बोलो खेल सकते हैं या उनको दाना खिला सकते हैं, वो डरती भी नहीं है बिल्कुल, हजारों की तादाद में तो बिल्कुल किनारे पे है। और ये झील काफ़ी बड़ी है, इतनी सारी मछलियाँ देख के काफ़ी खुश हुए हम। और ये मानसर जो है वो फेमस है शेषनाग भगवान के लिए, बताते हैं कि यहाँ पर शेषनाग भगवान का स्थान है। तो एक छोटा सा मंदिर भी है यहाँ पर, तो मंदिर एरिया की फ़ोटो तो नहीं ली लेकिन हम झील के किनारे हैं। गाइस ये देखिए ये टर्टल के बारे में जब हमने स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस टर्टल की उम्र करीबन 150 से 200 साल पुरानी है, जो यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं। कछुआ देखो तो कितना बड़ा है, कछुआ कितना बड़ा है, होता है शुभ होता है और इतना बड़ा कछुआ वैसे तो मैंने पहली बार ही देखा है। और साथ में मैंने पूछा कि झील में ऐसे कछुए हैं तो जो यहाँ के लोकल पीपल्स हैं उन्होंने बताया कि अराउंड 1000 ऐसे कछुए अंदर मौजूद हैं। और एक ये भी बताया कि इसके अंदर एक इतना बड़ा कछुआ है जो करीबन इस टर्टल से 10 गुना बड़ा है, वो रेयरली दिखाई देता है, ये बिल्कुल पानी के बीचों बीच रहता है। तो दोस्तों लकीली चलो एक कछुआ तो दिख गया है, तो चलो वापस चलते हैं मछली के पास और थोड़ा मछली को दाना खिलाते हैं। ये देखिए गाइस मछलियों को दाना खिला रहे हैं। और यहाँ आना लगभग एक प्रकार से हमें ऐसा लगा कि जैसे हम कुछ टाइम के लिए अपना जॉब स्ट्रेस भूल के थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं। तो देखिए तो गाइस ये देखिए ये है पूरा मानसर लेक। देखिए पूरे मानसर लेक के दर्शन करते हैं, ये काफ़ी बड़ी झील है। यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो बोटिंग के लिए और थोड़ा बहुत यहाँ पर जो ये मछलियाँ हैं और मंदिर है इसके दर्शन करते हैं। और एक प्रकार से टूरिस्ट प्लेस है जो एक आकर्षण का एक केंद्र है। इसके नज़दीक में एक छोटा सा जू और एक पार्क है। तो जू तो चलो हम नहीं जाएंगे बट एक पार्क है बच्चों के लिए, तो चलो बच्चों को लेके पार्क में चले। तो गाइस चलते हैं अब इसके बाद पार्क जहाँ बच्चों के लिए कुछ झूले हैं। तो चलिए गाइस हम बच्चों के एम्यूजमेंट पार्क पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बच्चों को बैठा दिया हमने ट्रेन में और बच्चे देखिए उनकी ट्रेन चल पड़ी। ये एक छोटा सा पार्क है, इसमें बच्चों के लिए करीबन 7 से 8 डिफरेंट टाइप्स के जो हैं झूले लगे हुए हैं। ओवरऑल बच्चों के फन के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है। तो गाइस बताइएगा आपको मानसर झील कैसी लगी। तो आप चलते हैं घर, काफ़ी टाइम हो गया है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में कैसा लगा बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सो अगली बार हम कहीं और घूमने जाएंगे तो फिर चलिए वहाँ का वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।